देखिए पहली बात तो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी इस तरह की ये टुच्चे कार्य हम लोग न पसंद करते हैं, ना किसी के लिए करते हैं, ना करने की सिफारिश करते हैं। हम इस कार्य की निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात बड़ा शंका की बात है कि अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं, क्योंकि वो अब वो दिल्ली की नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हैं। उन्होंने लगातार लोगों को तड़पाया है, बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पाया, पोल्यूशन से पूरे दिल्ली की सांसें रोकी हैं, आपातकाल लगाया है, यमुना जी के गंदे पानी से पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो लोग गुस्से हैं, बस मार्शल नौकरी से निकाल दिए, तो अब इसका उनको गलियों में कोई अपना गुस्सा जाहिर कर रहा होगा, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बोलूंगा सबसे कि आप अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल जैसे अपराधी को सजा देना है तो वोट से दीजिए, इस तरह से मत दीजिए। ऐसा अगर किसी को सच में गुस्सा है तो कृपया इस तरह का कार्य ना करें, उनको वोट से सजा दें और दिल्ली को बचाएं। देखो ये अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, ये जब लोगों की नजरों में नीचे गिर जाती है तो ये सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूं कि सभी को सावधान रहना चाहिए, अपने ऊपर गोली भी चलवा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये लोग ड्रामों के किंग हैं और इनसे दिल्ली को सावधान रहना। ये जो है घटना जो की हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी की भी करतूत है। ये बीजेपी जब भी हारती है वो ऐसे करती है, चौथी बार हारने जा रही है तो अपनी करतूतों पे फिर से वापस आ गई है। जिसने भी जो इंक फेंकी है वो तो अब पता लग चुका है, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी फोटोएं आ चुकी हैं। तो ये सारा काम बीजेपी ने किया है और बीजेपी को ऐसे कामों पे नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो आप इलेक्शन की तरह लड़िए ना। अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छे किए तो आप उनसे अच्छे काम कर लो, दूसरे राज्यों में उनसे अच्छे काम कर लो। आप काम तो अच्छे करेंगे नहीं, आप दूसरे लोगों से कभी इनके डलवाएंगे, कभी कुछ कराएंगे, कभी कुछ कराएंगे, तो इस तरह की राजनीति चलती नहीं है, गलत है ये बिल्कुल। सर बीजेपी लीडर्स क्या इंसिडेंट करवाती है? अच्छा बीजेपी वालों से? अच्छा बीजेपी वाले हमारे कहने से कुछ भी करते हैं? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आज के बाद बीजेपी वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे कुकर्म ना करें, ऐसे गलत काम ना करें। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सार्वजनिक जीवन में जो नेता बाहर निकलते हैं, बेशक जनता को पूरा हक बनता है कि वो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, अपनी जो दुख है उसको दर्शा सकें, पर इस तरीके से जो व्यक्तिगत हमला करते हैं ये बिल्कुल गलत है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। परंतु जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और जो इसको इस वाक्य को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहूंगी कि हो सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें। चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना जरूरी है। देखिए बीजेपी ने आज अपने ही निम्न स्तर की राजनीति के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार सवाल उठा रहे थे दिल्ली की चरमराई हुई कानून व्यवस्था पे, वो तो अमित शाह जी ठीक नहीं कर पाए, पर सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक करवाया है। क्या कोई मामूली व्यक्ति हो सकता है जो एक पदयात्रा में जो चरमराई कानून व्यवस्था के खिलाफ निकाली जा रही हो उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ पदार्थ फेंक दे? ये सारा श्रेय भाजपा से मिल रहा है उसको, सारा संरक्षण भाजपा से मिल रहा है उसको। बार बार आपने देखा है कि गुंडे अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कर देते हैं, पूर्व सांसद अरविंद केजरीवाल के घर पर अटैक कर देते हैं, ये अपने आप थोड़ी हो रहा है। ये सारा मनोबल, ये सारा श्रेय उनको अमित शाह जी से मिल रहा है और शायद इसीलिए वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने गुंडे पाले।